पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुरादाबाद के पंचायत भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुरादाबाद के सभी क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को प्रशासन स्तर से सम्मानित करने का काम भी किया गया। इस अवसर पर श्रमिक मजदूरों की बेटियों को भी प्रशासन स्तर से साइकिल वितरण भी किया गया और सभी को विश्वास दिलाया गया कि सरकार और प्रशासन हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुरादाबाद शहर में कई स्थानों पर महिला उत्थान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुरादाबाद शहर के पंचायत भवन में जिला प्रशासन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, आईजी रमित शर्मा, डीआईजी बीटीसी पूनम श्रीवास्तव, जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह, एसएसपी प्रभाकर चौधरी, उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान, एडीएम फाइनेंस प्रीति जायसवाल की मौजूदगी में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, पुलिस, पत्रकारिता, सोशल वर्कर के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह व शॉल देकर सम्मानित किया गया। आज उसको सम्मानित कर हमें सम्मानित उसकी प्रतिभा के अच्छे जाने की हमारे रूपाली जी अग्रवाल जी आप गरिमा गीतांजलि जी बच्चे और ब्लैक बेल्ट होल्ड किए हुए हैं और साथ ही आज की तारीख टीम की सदस्य रही हैं सीओ कोतवाली मैडम इंदु सिद्धार्थ जी केवल टीचर और नर्सिंग सेवाएं जो दी जा सकती हैं चाहे वो रेडियो पर हो दूरदर्शन पर अनेकों प्रोग्राम आपके द्वारा दिए गए तो ये तो आप मान रहे होंगे कि कोई इन्होंने सीडीओस सर का के आने वाले समय में इनको जरूर मिलेगी मेहंदी और रंगोली के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैं ये कि छवि सिंह जी को मैडम छवि सिंह ये बच्चियां हो बच्चियों का उत्साह बढ़ता। कार्यक्रम में बोलते हुए उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा है कि बधाई देनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रशासन को, समाज को, जहां ये सांकेतिक कार्यक्रम निकलकर धरती पर जिसने अपने चरण रखे और आपको सशक्त बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए मैं बधाई देता हूँ प्रशासनिक विभाग को जिसने इतनी तत्परता के साथ इतने उत्कृष्ट कार्यक्रम को, इतने बड़े कार्यक्रम को बहुत अनुशासन ढंग से यहाँ आयोजित करने का प्रण किया, प्लान किया, योजना बनाई और उन सबको सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान श्रमिक मजदूरों की बेटियों को साइकिल देकर सम्मानित भी किया गया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बेहतर काम करने वाली महिलाओं को हर क्षेत्र से चिन्हित कर सम्मानित किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पे जो हमारा मिशन शक्ति अभियान चल रहा था तो उसको दोनों को क्लब करके एक यहाँ पे जो हमारे जिले में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को जो विभिन्न क्षेत्र से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो क्रीड़ा का क्षेत्र हो, या जिस भी क्षेत्र में गवर्नमेंट सर्विसेज का क्षेत्र हो, पुलिस विभाग से रिलेटेड सभी विभागों में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न क्षेत्र में महिलाएं थीं उनको यहाँ पे सम्मानित करने का कार्य आज इस अभियान के अंतर्गत हुआ है। और इससे जो है विभिन्न फील्ड्स में काम करने वाली जो महिलाएं सार्वजनिक मंच पे पुरस्कृत हुई हैं तो निसंदेह जो है एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। और जो हमारा मिशन शक्ति अभियान का मुख्य जो उद्देश्य था नारी सुरक्षा को लेकर के, नारी सम्मान को लेकर के और नारी स्वावलंबन को लेकर के, तो तीनों ही फील्ड में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाएं यहाँ पे सम्मानित की गई हैं
और मैं समझता हूँ कि इससे जो हमारा नारी सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम है, जो मिशन शक्ति अभियान है, इसको काफ़ी बल मिलेगा। नहीं, श्रम देखिए, जितनी विभिन्न विभागों की हमारी जो स्कीम्स थी उसके अंतर्गत भी जो महिलाओं के कल्याणार्थ स्कीम थी उसको भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस अभियान के माध्यम से किया गया है। तो एक श्रम विभाग की ओर से जो साइकिल का वितरण किया गया है इसमें कुछ महिलाओं को।